हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवी वे, द वे ऑफ स्मार्ट लर्निंग। मैं आप लोगों के साथ सुबह हिंदू का आर्टिकल डिस्कस कर रही थी, और देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें मेडिकल हेल्थ केयर से 2015 में यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है। और हेल्थ केयर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो देखिए इससे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जामिन हाउ कर्नाटकाज प्राइवेट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2007 कैन पेव अ वे फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर इन द स्टेट एंड ऑल्सो एज अ मॉडल टू अदर स्टेट्स। मतलब जो कर्नाटका ने अपने प्राइवेट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में चेंजेस लाए हैं, वो कैसे हेल्प कर सकते हैं कि हम हेल्थ केयर को यूनिवर्सल कर दें, मतलब सभी लोगों को अवेलेबल करा सकें, साथ में दूसरे स्टेट्स को किस तरह से मोटिवेट करेंगे वो। तो देखिए हम इसका आंसर थोड़ा टुकड़ों में देंगे। पहले हम देंगे हाउ, ठीक है। तो हाउ में हमारा क्या है कि इसने कर्नाटका ने प्राइवेट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स को रेगुलेट कर दिया है। आप अब ज़्यादा कॉस्ट चार्ज नहीं कर सकते पेशेंट से, जितना आपका खर्चा आया है सिर्फ आप उतना ही चार्ज करोगे। ओवर कॉस्टिंग को रेगुलेट कर दिया है, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कॉस्ट चार्ज करेंगे आप, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखेंगे, मतलब जितना बिल आया है सिर्फ उतना ही लोगों को थमाया जाएगा और बताया जाएगा कि हर चीज़ के लिए क्या बिल है, पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बाइंडिंग है ये। सारे प्राइवेट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स को ये फॉलो करना पड़ेगा। ये तो अमेंडमेंट की बात है ये सारी चीज़ें, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट के साथ साथ वो खुद में भी रिफॉर्म लाए। ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे इस एक्ट में, गवर्नमेंट अपने अंदर भी रिफॉर्म ला रही है, तो ये तीनों पॉइंट्स उसके लिए हैं। देखिए क्या क्या रिफॉर्म लेके आई है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि जो स्टेट सपोर्टेड इंश्योरेंस होते हैं, मतलब जो पेशेंट्स स्टेट के पैसे पे अपना इलाज कराते हैं, स्टेट्स उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, तो क्या होता है कि प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा प्रॉफिट मार लेती हैं वहाँ से, तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट सर्विसेज को और बेटर बनाया जा सके, मतलब पैरिटी इन सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज के बराबर लाया जा सके, जिससे कि लोग गवर्नमेंट की सर्विसेज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है कि एंड टू नेगलेक्ट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, जो पब्लिक की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है, लोग उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं, अच्छी नहीं समझते, तो उनकी वैल्यू बढ़ाना, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ खुद को भी रेगुलेट कर रही है। अब देखिए यूनिवर्सल हेल्थ, अब हमारा यूनिवर्सल हेल्थ है वो नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंडिया में हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 70% हेल्थ पे खर्चा होता है वो प्राइवेट सेक्टर में होता है, गवर्नमेंट का सिर्फ 30% है। ये मैं एडिशनल डेटा आपको बता रही हूँ कि जितना भी जो इंडिविजुअल खर्चा है, अपना खुद का खर्चा करते हैं 70% लोग, गवर्नमेंट का सिर्फ 30% है उनमें, और GDP तो बहुत ही कम है, 1.15% हमारा हेल्थ पे हो रहा है। तो देखिए ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट 3 भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट 3 है, 2030 तक हमें अचीव करना है। तो इसलिए अब देखिए दूसरा पार्ट था कि अदर स्टेट्स इसको कैसे, और अदर स्टेट्स भी कैसे अपना मॉडल एक्ट बना सकते हैं। तो अदर स्टेट क्या कर सकते हैं, वो भी कैप कर सकते हैं कॉस्ट को। अभी देखिए इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, नी कैप, जो घुटने की कैप होती है उनकी कॉस्ट भी रेगुलेट कर दी है, क्योंकि प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा 12-12, 13-13 लाख रुपये तक मांग रहे थे। प्लस स्टंट जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 20,000 में पूरा खर्चा हो जाता है स्टंट रिप्लेसमेंट का, वहाँ पे भी 1-2 लाख रुपए मांगते थे प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। तो और दूसरा ये हेल्थ पैकेज प्रोवाइड करा सकते हैं अपने अपने स्टेट्स में। ट्रीटमेंट टू ऑल, सबको ट्रीटमेंट दें, मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी है पे करने की उस हिसाब से उनसे बिल लिया जाए, जैसे कि जो गरीब लोग हैं ट्रीटमेंट उन्हें भी मिले, अमीरों को भी मिले, लेकिन जो गरीब हैं उनसे कम चार्ज किया जाए उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल, गवर्नमेंट खुद खरीदे और लोगों को बांट दे फ्री में, तो उससे भी बहुत इम्पैक्ट होता है। अब इसका हम बहुत बड़ा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, पोलियो। पोलियो फ्री में, पोलियो की दवाइयां फ्री में बांटी गई लोगों को, तो उससे क्या हुआ, हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, हमने इतनी जल्दी अचीव किया था ये चीज़, वर्ल्ड भी शॉक में था, लगता था कि इंडिया से तो पोलियो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोकल फैक्टर्स को लेके, यहाँ के सैनिटेशन इश्यूज़ को लेके, यहाँ पे माइग्रेशन इश्यूज़ हैं, इन सबको लेके लगता था। तो पोलियो, हम 2014 में पोलियो मुक्त हो गए हैं, इंडिया इज़ अ पोलियो फ्री कंट्री, ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्लस आयरन प्लस, जो हमारी आयरन की नीली गोली दी जाती है, जो हमारे अडल्ट पॉपुलेशन है, लेडीज़ हैं, हमारी 50% लेडीज़ एनीमिक है, एनीमिया है उन्हें, तो ये आयरन प्लस का।
मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में हमारे फ्री में 7 जो हमारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं 2 साल तक के बच्चों को, अब उनमें 3 इंजेक्शंस और ऐड कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं गवर्नमेंट कर सकती है। अब देखिए आंसरेबिलिटी, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें आंसरेबल बनाया गया है किसको, नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ को जवाब देना पड़ेगा हेल्थ के इशूज़ को लेकर। अब देखिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये प्राइवेट सेक्टर के रिफॉर्म्स तो सही हैं, उसके साथ गवर्नमेंट को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जैसे हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस होती हैं, जैसे हार्ट अटैक वगैरह, ब्लॉकेज हो जाना, कैंसर, ये सब हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज़ेस हैं। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंज ला के इन्हें क्योर किया जा सकता है। प्लस हमारा हेल्थ ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड, अब इसके लिए आप बहुत सारी स्कीम्स जोड़ सकते हैं साथ में, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया है जिसमें हमारी मैटरनिटी बेनिफिट जो लीव थी वो बढ़ा दी गई है। और देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें 5,000 रुपये दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ठीक है, टाइम पे जब वो रजिस्टर कराएंगी तब, जब वो एक एंटीनेटल चेकअप कराएंगी तब, और जब वो इम्यूनाइजेशन कराएंगी। तो इसमें पूरा कवरेज है मदर की हेल्थ का भी और चाइल्ड की हेल्थ का भी जब बच्चे को इम्यूनाइजेशन कराएंगी, ठीक है। फिर है मिशन परिवार विकास, इसमें ओवरऑल हेल्थ, मदर मोर्टेलिटी रेट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन सबको कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और देखिए कि ये हमारा है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड एंड एडोलोसेंट, ये पूरा कंप्लीट है रमनचा। मतलब इसमें क्या है कि पूरी फेज जो हमारी जो रिप्रोडक्टिव एज है, मैटरनल की हेल्थ, मदर की हेल्थ, उसके बेबी की हेल्थ, जब वो बड़ा हो जाएगा चाइल्ड, और एडोलोसेंट, मतलब एक लाइफ साइकिल के सारी फेसेस को इसमें कवर किया है। तो इस तरह की स्कीम्स आगे का हमारा कंटिन्यू रखनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये सब हमारा वे फॉरवर्ड में आ जाएगा। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक माई चैनल, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, और दूसरे लोगों को भी बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।